तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नया डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, चुनावी बॉन्ड को लेकर जारी किया। अब उसके जारी करने के बाद उसकी बहुत से खुलासे धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं कि कब किसने किसको कितना चंदा दिया, यानी पार्टी के नाम भी आ गए और कंपनियों के नाम भी आ गए। इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को मिला है उससे जुड़ी जानकारी अभी हमारे सामने है। अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच किन्हें बॉन्ड मिला और किन्होंने बॉन्ड दिया इसकी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। इसको लेकर विस्तार से एनडीटीवी प्रॉफिट के दो सहयोगियों जननी जनार्दन और चिन्मय वासुदेव ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, मिलान करने की कोशिश की और जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से मिला, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट से उसके बाद चंदा मिला, वेदांता और भारतीय एयरटेल से भी चंदा मिला। वहीं कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा चंदा मिला वो वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी से, वेदांता से, यशोदा हॉस्पिटल, एविस ट्रेडिंग को फाइनेंस, ये ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया। अब हम आपको बताते हैं कि किस दल को अहम रूप से कहां से कितना चंदा मिला है। बीजेपी ने 5594 करोड़ के बॉन्ड को कैश करवाया, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 584 करोड़ रुपये बीजेपी को दिए, क्विक सप्लाई चेन ने 375 करोड़ रुपये दिए, वेदांता ने 226 करोड़ से ज़्यादा दिए, भारतीय एयरटेल ने 183 करोड़ से ज़्यादा दिए, मदन लाल लिमिटेड ने 175 करोड़ से ज़्यादा दिए, केवेंटर फूड पार्क इंडिया ने 144 करोड़ रुपए दिए, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स ने 130 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए, बिरला कार्बन इंडिया ने 100 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। अब बात विपक्ष की कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस को 1351 करोड़ रुपए और 9 लाख के बॉन्ड को कैश करवाया गया, जिसमें वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 110 करोड़ का चंदा कांग्रेस को दिया, वेदांता ने 104 करोड़ का, एमकेजी एंटरप्राइजेज ने 69.35 करोड़ का, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 64 करोड़ का, एविस ट्रेडिंग फाइनेंस ने 53 करोड़ का, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 50 करोड़ का चंदा कांग्रेस को दिया। टीएमसी को 1592 करोड़ रुपए मिले जो कि कांग्रेस के से ज्यादा है और बीजेपी से कम है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने टीएमसी को 542 करोड़ रुपए दिए, सबसे अधिक चंदा इस फ्यूचर गेमिंग ने, इस जुआ खिलाने वाली कंपनी ने टीएमसी को दिया है। हल्दिया एनर्जी ने 281 करोड़ रुपए दिए, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 90 करोड़ रुपए दिए। इसी बाबत आज एडीआर ने, जिसने ये पूरी पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीआर के जो सह संस्थापक हैं जगदीप चोकड़ साहब, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हमसे कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की थी। चोकड़ साहब, अब जब अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर्स हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, वो सामने आ गए हैं, किसने किसको कितना चुनावी चंदा दिया वो तमाम आंकड़े सामने आ गए हैं, इससे क्या नई चीज़ निकल कर सामने आई है, क्या नया आगे और पता चल सकता है? देखिए, जो कल नंबर सामने आया है उससे सारी सिचुएशन साफ हो गई है कि किस कंपनी ने किस या किस व्यक्ति ने किस नंबर का बॉन्ड कितने का किस राजनीतिक दल को दिया। हर एक बॉन्ड का, इंडिविजुअल बॉन्ड का पता लग सकता है और सूचना बहुत ज्यादा है तो उसको अभी एनालाइज करने में काफी समय लगेगा, लेकिन ये अब खुल के सामने आ गया है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने का पैसा किससे दिया, किसने कब कि कब दिया, ये चीज़ें सामने आ गई हैं। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अभी कब से कुछ मिनट पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, क्या खास बातें रही, प्रेशर करने की जरूरत एडीआर को और कॉमन कॉज को क्यों पड़ी? उसमें यही चर्चा हुई कि ये देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा मामला है जिसमें से बहुत ज्यादा सूचना निकलेगी और जिसको अगले 5-10 साल तक लोग उसको खंगालेंगे, एनालाइज करेंगे और उसमें से और नई नई बातें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स का नेक्सस है उसके बारे में अब कोई शंका नहीं बची है कि कंपनियों का राजनीतिक दलों से बहुत गहरा ताल्लुक है और वो उनको तरह तरह से फायदे करते हैं और फिर राजनीतिक दल कंपनियों को फायदे करते हैं। ये जो क्विड प्रो को का मामला है ये बिल्कुल साफ हो गया है। क्विड प्रो को का मामला चोकर साहब आपको लग रहा है साफ हो गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को चंदे की जरूरत तो पड़ती है,
अभी इस सिस्टम के जरिए इनको चंदा मिल रहा था तो पता चल गया नाम किस किस के थे। पहले चंदा मिलता था तो पता ही नहीं चलता था कौन किसको कितना चंदा देता है, राजनीतिक पार्टियां छुपा लेती थी। क्या अब ये पूरे प्रोसेस के बाद आपको लगता है कि ये फंडिंग जो होती है राजनीतिक पार्टियों को, इसमें कोई लगाम लगेगी या ऐसे ही चलता रहेगा ये चोरी छुपे? देखिए, वो चंदा तो पहले भी दे रहे थे और अब भी देंगे, लेकिन जो ये एक बीच में प्रावधान लाया गया था कि गलत चंदा देना कानूनी बना दिया गया था, वो हट गया है। अब वो गलत चंदा कोई कानूनी तौर पे नहीं दे सकेगा, गलत चंदा गलत तरीके से देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।